हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इजी ड्राइव ऑटो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। माय नेम इज प्रमोद एंड वी आर इनटू सीएनजी बिजनेस सिंस 2011। तो गाइस, जैसा कि मैं हमेशा आपके सामने नई नई गाड़ियों की वीडियो लेके आता हूँ, तो आज जो मेरे पीछे गाड़ी खड़ी है, ये मेरी फर्स्ट कार है जिसमें मैंने किट लगाई थी। दिखने में तो ये गाड़ी ऐसी लग रही होगी आपको कि इसमें काफ़ी सारी किट्स लग चुकी हैं, बट ये ग्रैंड आइटन ऑटोमेटिक है जिसमें मुझे किट लगाए हुए ऑलमोस्ट 9 से 10 महीने हो चुके हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि 9 से 10 महीने का जो टाइम है, 9 से 10 महीने की जो जर्नी है, वो बहुत कुछ बताएगी आपको कि इस गाड़ी के अंदर परफॉर्मेंस सीएनजी की कैसी रही है। क्योंकि हुंडई ग्रैंड के अंदर किट लगाना और ऑटोमेटिक गाड़ी के अंदर किट लगाना, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी अचीवमेंट है। परफॉर्मेंस पेट्रोल पे आप सभी को पता है, जो हुंडई की गाड़ियाँ चला रहे हैं, माइलेज बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं आता है। सिटी के अंदर आपको 9 से 10 का माइलेज निकाल के देती गाड़ी पेट्रोल पे, और हाईवे पे 12 तक का माइलेज निकाल के देती है बिकॉज ऑफ ऑटोमेटिक। इस गाड़ी के अंदर जो हमने किट लगाई थी, वो ब्रांड, उसकी परफॉर्मेंस, उसका एवरेज, वो सारा मैं जो इस कार के जो ओनर हैं वो आए हुए हैं मेरे पास, क्यों आए हुए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो ग्रैंड आइटन है, इसके अंदर हमने जो किट लगाई है वो है गैसटेक की OBD2। गैसटेक एक इंडियन ब्रांड है जो कि बाहर से सारे के सारे पार्ट्स को असेंबल्ड करता है। सारे के सारे पार्ट्स इंपोर्टेड हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के पार्ट्स हैं। इसका रिड्यूसर डबल स्टेज है और इंजेक्टर्स भी इंपोर्टेड हैं, ECM भी इंपोर्टेड है और OBD2 इनेबल्ड है इसके अंदर। ये इसका फिलिंग वॉल्व है जहाँ से गैस फिल होती है। हाईराइज कंपनी इंडिया के अंदर जो है वो गैसटेक को इंपोर्ट करती है बाहर से। तो ये तो जो रहा कि हमने फिटमेंट कैसी की है, बहुत ज़्यादा वायरिंग इसमें शो नहीं होगी आपको क्योंकि इसमें एयर फिल्टर बड़ा है, ये कवर कर लेता है पूरी वायरिंग को। ये तो रहा कि हमने इसमें कौन सी किट लगाई है और कैसे किट लगाई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ग्रैंड आइटन में स्विच कैसा लगाया है, पीछे बूट स्पेस कितना है। इसके अंदर जो स्विच है वो राउंड स्विच है क्योंकि गैसटेक जो है वो राउंड स्विच के साथ में आती है। ये तो रहा इसका कि हमने सिलेंडर जो है कितना बड़ा लगाया है। तो गाइस, बहुत प्यारी फिटमेंट दी है पीछे से, सिलेंडर इसमें 12 किलो का लगाया है। आपने नॉर्मली जितनी भी ग्रैंड आइटन देखी होंगी, इसमें स्टेपनी आपने खड़ी देखी होगी, इन्होंने मेरे कहने से, ये जो आपका नीचे देख रहे हैं आप, ये इनका बेस ट्यूब है, इन्होंने इस तरीके से डिज़ाइन करा लिया इसको ताकि आपके जो स्टैंड है उसके नीचे आ जाएगा, उसके बाद भी सामान बहुत ज़्यादा इसमें रख सकते हैं आप। ये तो रहा पीछे से, इन्होंने जो हमने पीछे से जो इसमें कैसी हमने फिटमेंट की है। इसके अलावा अब इस गाड़ी का जो हम एक ये चेक कर लेते हैं कि गाड़ी के अंदर कितना ये चल चुकी है और स्विच कैसा है इसका। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो गाड़ी है, ये अगर मैं देखता हूँ तो ये 55,000 किलोमीटर चल चुकी है टोटल। मैं कार के जो ओनर हैं उनसे भी मैं बात करूँगा और ये बताएंगे कि ये गाड़ी जो है सीएनजी पे जब लगने आई थी तो कितने किलोमीटर चली हुई थी और अभी फ़िलहाल ये कितने किलोमीटर टोटल चल चुकी है। मैं आपको गाड़ी स्टार्ट करके भी दिखा देता हूँ। कार जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, गाड़ी जो है वो पेट्रोल पे स्टार्ट होती है और कुछ देर के बाद पेट्रोल से वो सीएनजी पे कन्वर्ट हो जाती है। ये ऐसा इसमें बजर बजा है और ये आपकी जो ब्लू कलर की जो लाइट है, इसका मतलब है कि गाड़ी आपकी सीएनजी पे कन्वर्ट हो चुकी है। किसी भी तरह का कोई इसमें आरपीएम फ्लक्चुएशन नहीं है। ये तो रहा कि हमने गाड़ी में किट कैसे काम करती है, स्विच कैसे काम करता है। अब जो इस कार के जो ओनर हैं उनसे भी हम एक बार पूछ लेते हैं कि गाड़ी का जो फीडबैक है वो कैसा रहा है, सो दैट कि आप सभी को एक प्रॉपर आइडिया लग जाएगा कि इस गाड़ी में हुंडई की जो ग्रैंड आइटन है ऑटोमेटिक वर्जन कैसा परफॉर्म करता है। वैसे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बता दूं कि आज मेरे पास इस गाड़ी में जिसमें वीडियो बना रहा था, दो गाड़ियाँ और खड़ी हुई हैं। ये जो दो गाड़ियाँ हैं ये बिल्कुल डिफरेंट कार हैं। ये जो खड़ी है ये हुंडई की i20 है, बिल्कुल न्यू गाड़ी है। जो इस कार के ओनर हैं वो इसको ड्राइव नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि गाड़ी इनकी 100 किलोमीटर डेली चलती है, नई गाड़ी है तो इसमें अभी अप्रूवल्स नहीं है। हमने इसके अंदर बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी यूज़ की है, ये गाड़ी 8 इंजेक्टर की है तो हमने इसमें 8 इंजेक्टर वाली किट लगाई है, इवन हम लगा रहे हैं इसके अंदर। और ये i20 के अंदर आप देखोगे 8 इंजेक्टर हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसमें किट लगने वाली है। इसका जो
ECM है वो बिल्कुल 8 इंजेक्टर वाला ECM लगाया हुआ है इस गाड़ी के अंदर। तो ये तो है फिटमेंट। जब फिटमेंट हो जाएगी, गाड़ी चल जाएगी, महीने डेढ़ महीने बाद मैं इस गाड़ी का एक फीडबैक लेके दूंगा कि गाड़ी कैसी चलेगी ये 8 इंजेक्टर के साथ में। तो अब हम बात कर रहे थे हुंडई की ग्रैंड आइटन की। तो हुंडई की ग्रैंड आइटन मैं चाहूँगा कि जो इस कार के ओनर हैं वो मेरे पास आए। तो मनविंदर जी, इजी ड्राइव में आपका स्वागत है। मुझे याद है कि आज से 8 से 9 साल पहले आपके पास एक स्विफ्ट गाड़ी थी जो आपने मेरे पास लेके आए थे और उसमें स्विफ्ट में अपने लोवेटो की किट लगवाई थी। उसके बाद 4-5 गाड़ियाँ और आपने भेज दी हैं, उनमें से ये एक ऐसी गाड़ी है जिसमें आपने 7-8 महीने पहले किट लगवाई थी। ऑटोमेटिक थी, आपके माइंड में काफ़ी ज़्यादा मिथ होंगे ऑटोमेटिक को लेकर कि गाड़ी कैसी परफॉर्मेंस आ रही है। तो आपका फीडबैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन व्यूअर्स के लिए जिनके पास हुंडई की ग्रैंड आइटन है और वो भी ऑटोमेटिक वर्जन है, क्योंकि ऑटोमेटिक को लेकर मार्केट में बहुत मिथ है, क्योंकि कंपनी से फिटमेंट इसमें नहीं आती थी ऑटोमेटिक के अंदर। आज की डेट में भी जो गाड़ियाँ कंपनी फिटेड आती हैं वो ऑटोमेटिक नहीं आती हैं। तो कैसी जर्नी रही है आपकी और कब आपने किट लगवाई थी, कितने किलोमीटर चल चुकी थी उस टाइम गाड़ी, आपको सारा ये प्रॉपर बताना होगा सर। और आज किस वजह से आप आए थे मेरे पास? सर, मैंने किट लगवाई थी जून में, जब मेरी गाड़ी ओनली 40,000 चली हुई थी। अच्छा, और अब 55,000 ये चल चुकी है। अच्छा, और जो कि मैक्सिमम CNG पे ही चली है, क्योंकि CNG लगने के बाद तो 15,000 किलोमीटर में चला चुका हूँ और अभी तक कोई सिंगल कंप्लेंट मुझे किट से नहीं है जी। कार से ड्राइविंग में मैं आप जज ही नहीं कर पाता गाड़ी गैस पे चल रही है कि पेट्रोल पे चल रही है। दूसरी चीज़ क्या है कि माइलेज का कोई इशू मुझे लग रहा था कि ऑटोमेटिक में इसकी 9 या 8 माइलेज है मुश्किल से, लेकिन मेरी 20 तो लोकल में माइलेज देती है, सिटी ट्रैवलिंग में 20 है और CNG पे, और हाईवे पे 22-23 भी माइलेज इजीली निकालती है। और एसी में भी अगर मैं बात करूँ तो हाईवे पे 21 तक आ जाती है, 2 किलोमीटर का डिफरेंस एसी और नॉन एसी पे है। अभी जैसे मैं नॉन एसी चला रहा हूँ, बट ऑटोमेटिक के अकॉर्डिंगली मेरे हिसाब से बहुत अच्छी माइलेज है। अच्छा, थोड़ा सा इस बारे में समझाइए कि एक सिलेंडर पे कितने किलोमीटर गाड़ी चलती है? एक सिलेंडर मेरा नॉर्मली मेरी 8 kg गैस इसमें आ जाती है जी, जिसमें मेरी 200 किलोमीटर अब चल रही है इस सीजन में, विंटर्स में। समर्स में मेरी 180 तक चल जाती है, 180-170 चल जाती है इजीली। परफॉर्मेंस में कोई भी इशू नहीं है और ऑटोमेटिक का कम्फर्ट है प्लस CNG की माइलेज है, तो इससे अच्छा कॉम्बिनेशन हो नहीं सकता। मेरा मिथ था कि पता नहीं CNG में कैसा परफॉर्म करेगी। मैं आपसे काफ़ी कांटेक्ट करता ही रहता हूँ, वैसे भी कुछ कार से रिलेटेड हेल्प चाहिए होती है, तो आपने कहा भी था कि ठीक है ले लो CNG, वो पेट्रोल की ऑटोमेटिक ले लो, कोई इशू नहीं है, CNG में अच्छी किट आपको लगा के दूंगा। और वैसे भी ट्रस्ट ही है आपसे इतनी कार, मेन क्या है मेरे लिए मैटर ही नहीं करता कि आप लोवेटो लगाओ या गैस टैग लगाओ, आपने लगा दी तो मैं जानता हूँ गाड़ी में कोई इशू आना ही नहीं है। तो आज आपका रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि थोड़ा सा मेरी गाड़ी क्या है कि 4-5 किलोमीटर के बाद उस पर आ रही थी CNG पे, तो मैं सोच रहा था और थोड़ा सा जल्दी 1-2 किलोमीटर में ही आ जाए। तो यहाँ तो, जो मानविंदर सर हैं उनकी गाड़ी का जो था, ये विंटर्स का टाइम चल रहा है अभी, तो हुंडई की जो गाड़ियाँ हैं थोड़ा सा कभी कभी लेट कन्वर्ट होती हैं, तो हमने इनकी गाड़ी के अंदर थोड़ा काम किया है आज। वो क्या काम किया? वो कूलेंट के कनेक्शन किए हैं हुंडई की गाड़ी के अंदर। आप इनकी गाड़ी उम्मीद करता हूँ कि अगले 1 किलोमीटर के अंदर अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर से ही गाड़ी परफॉर्म करती है। तो ये तो रहा एक हुंडई ग्रैंड आइटन का एक फीडबैक वीडियो कि हमने इसमें कैसी किट लगाई है। तो इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आप शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।